संपूर्ण प्रदेश के साथ साथ जिले में पिछले करीब एक माह से लगे कोरोना कर्फ्यू के चलते लोग घरों में कैद हैं। जीविका उपार्जन के साधन ठप होने के कारण जहां उन्हें दो वक्त के खाने का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है, वहीं नगर में घूम रहे आवारा मूक जानवरों का बुरा हाल है। ऐसे में कुछ युवाओं द्वारा संगठित होकर घर घर से दो दो रोटियां एकत्रित करने के साथ ही हरी घास व सब्जियां लेकर मवेशियों के खाने का इंतजाम किया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा की, जहां के कुछ युवाओं द्वारा भूखे बेजुबान पशुओं को भोजन खिलाने का बीड़ा उठा यह अनेक कार्य किया जा रहा है। निवाड़ी जिले की धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में सड़कों पर भूख से बेहाल घूम रहे बेसहारा मूक जानवरों के लिए कुछ युवक बने सहारा। ये युवक पिछले 8 दिनों से एक समूह बनाकर नगर में कुछ चिन्हित घरों से प्रतिदिन दो दो रोटियों के अलावा अन्य खाद्य सामग्री मांगने के साथ ही किसानों से हरी घास व सब्जियां एकत्रित कर भूख से बेहाल जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करते आ रहे हैं। कई दिनों से भूखे इन जानवरों को खाना खिलाकर यह युवा लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि आप लोग भी इस संकट की घड़ी में आगे आकर गरीब बेसहारा लोगों की मदद कीजिए, साथ ही अपने आसपास घूम रहे बेजुबान जानवरों का भी ख्याल रखें। जैसा कि लगातार 8वें दिन ओरछा के युवाओं के साथ आवारा बेजुबान बेसहारा गौ माताओं जानवरों एवं जो भी बेजुबान जानवर हैं उनके लिए समस्त ओरछा के सहयोग से, ओरछा के नागरिकों के सहयोग से, युवा टीम के सहयोग से हम लोगों ने लगातार 8वें दिन भी जानवरों को भोजन खिलाया, जिसमें हरी घास हुई, टमाटर हुए, पत्ता गोभी, सब्जियां तथा दो दो रोटी हम लोग चिन्हित घरों से ले रहे हैं। ऐसा ही हम लोग लगातार 8 दिन से करते आ रहे हैं।